without first vector is R and will go. Suppose we have a vector P, ये हमने first vector का, इसके vector हमने क्योंकि तेल रखे, यहाँ से जो vector बन रहा है, ये vector हमारा क्या? Vector P plus vector Q और आपने इसके साथ बनाया, first vector के साथ बनाया angle, okay? तो यहाँ पे R का मैग्नीट्यूड आया अंडर रूट दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्लियर और tan अल्फा की वैल्यू आ गई क्यू sin थीटा प्लस बी cos थीटा प्लस क्यू cos ओके अल्फा किसके साथ एंगल है फर्स्ट वेक्टर के साथ आर कैप निकालना है आर कैप निकालना है
Like, I have 1, 2, 3 minus j cap, 1, 2, 3 plus k cap, 1, 2, 3. Okay, when the vector C ke bare mein aapko kya information di? I said magnitude is same as A. So magnitude is A. And direction is what? B cap. Kisi bhi vector mein do hi cheeze hoti hain. One is magnitude, another is direction. Magnitude maine kaha A ke barabar. What is the magnitude of A? Magnitude of A, possibly when I say that is under root 3 square plus 6 square plus. Okay, minus 6 square करेंगे तो वो भी उतना ही है, ठीक है? इसके बराबर क्या करें? Okay, this is 20 by 36 and 9. Root 70. It is root 70. Okay. And what is B cap? B cap is vector B over B. That is what? I cap minus J cap plus K cap divided by root 3. Root 3, because magnitude of B is under root 1 square plus 1 square plus 1 square, that is root. Is it clear? Okay, one more. Find a vector whose magnitude is same as B and direction is same as A. So we are interested in vector D whose magnitude is same as AB is reciprocal. Under root 3, 3 I cap upon root 70 plus minus 6 j cap upon root 70 plus 5 k cap upon root 70. So it is B A cap. A cap. Okay? B का magnitude निकालो ना? कितना है ना? वो तो पहले निकाल सकते हैं root 3 है. Now what is A cap? 3 i cap minus 6 j cap plus 5 k cap upon root 70 लेकिन ये आगे बहुत जगह यूज में आएंगे. इसलिए ये चीज इसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन कर रहा हूँ. ये आपका स्टूडेंट ऐसे ही होगी कि डायरेक्शन कोई आपसे क्या कोई भी वेक्टर दे, आपको समझ में आती है डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर. डायरेक्शन निकालने के लिए सोचना नहीं वहां पे देखा, अच्छा ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इसकी डायरेक्शन, उसी समय उसको सेपरेट कर देना. और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये टेढ़े क्वेश्चन नॉर्मल दे दीजिए, समझ में नहीं आता वो होगी क्या. ओके, क्लियर है? बढ़िया. अभी लास्ट क्लास में हमने किया था एडिशन ऑफ अ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, टू क्या हमने पॉलीनोमियल में भी कर लिया था. तो आज सबट्रैक्शन लिखेगा. सबट्रैक्शन of vectors. Okay. So again we have two vectors. We have a vector P, vector Q, having an angle theta between them. So two vectors are vector P and vector Q. Unke beech ka angle hai theta. Clear? Tail se tail milayenge to angle theta banega. Clear? Okay. अब आपको चाहिए वेक्टर P माइनस वेक्टर Q, ठीक
ये बिल्कुल एडिशन की तरह इसको करना है. यू कैन राइट इट वेक्टर पी प्लस तो उसकी डायरेक्शन को क्या करना है, क्या लेटर देना है, ये समझ में आया. ओके सो ये मैंने बनाया वेक्टर पी. वेक्टर क्यू कैसा हो जाएगा? उलट गया. दिस इज वेक्टर माइनस क्यू. ओके कोई मुझे बताएगा कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? माइनस माइनस थीटा. कैसे कर मिला हो भाई? ये देखो ना, ये एंगल बना था, अब ये वाला एंगल हो गया. ये वेक्टर क्यू है, ये वेक्टर माइनस क्यू. समझ में आ रहा है? मैंने कहा था ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या हो गया? 180 माइनस. समझ में आया? लिख लो स्टार के साथ. अभी तो ये ज्ञात करो, बाद में तो अपने आप याद. ओके If angle between vector P and vector Q is theta, then angle between vector P and minus Q is 180 minus theta. क्या magnitude में कोई change आएगा? नहीं, बस direction minus. Magnitude में कोई change नहीं आया? तो भाई resultant क्या हो जाएगा? R is equal to under root P squared. Plus Q square plus 2PQ cos 180 minus theta. हाँ या ना? समझ में आ गया? इसी तरह का डाउट तो नहीं. Yes. दो वेक्टर का सम क्या था? P square plus Q square plus 2PQ cos उनके बीच का एंगल. अब वेक्टर P minus Q करना तो मैंने क्या कर दिया? वेक्टर P plus minus vector. तो minus vector क्यों? मतलब इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी. अगर इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो दिस वेक्टर इज व्हाट? वेक्टर P minus वेक्टर minus. बट ये इनका और इसका सम तो है. दो वेक्टर का सम क्या होगा? P square plus Q square प्लस टू पी क्यू. ये तो सब मैग्नीट्यूड दे रहा है. गेम था यहाँ पे कॉस थीटा. कॉस थीटा नहीं है, क्या रखते हैं? कॉस 180 माइनस थीटा. ये समझ में आया? एक एक क्वेश्चन यहाँ पे थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ पे थीटा कौन? यहाँ पे मैं तो ऐसे कर रहा हूँ. यार एक्चुअल में होता गेम था हमेशा जब थीटा दिखाते हैं तो आप ये दिखाओगे वेक्टर पी, ये साइड में दिखाओ और ये एंगल दिखाओगे 180 माइनस की तरह. पैरेललोग्राम लो आ जाए. पैरेललोग्राम लो आप वेक्टर एडिशन की तो आया. देखिए रिजल्ट तो सबका सेम है. अब ये क्या आ गया? अंडर रूट पी स्क्वायर टू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू. ठीक है जी, इसी तरह का. ओके नाउ व्हाट इज एंगल? कॉस के साथ एंगल अल्फा. सो व्हाट इज टैन अल्फा? क्यू साइन. पक्का? Thank you.
go to इसको रखो ओ
बना दो आया समझ अभी नहीं आया ओके पहले पी प्लस क्यू को हटा दो पी प्लस क्यू सबको समझ में आ गया पी प्लस क्यू हटा देते वी आर इंटरेस्टेड इन पी माइनस क्यू दिस वेक्टर That is what vector नाम दे देते हैं O M N. That is vector M N. Clear? What is vector M N? Vector O M. Vector O M. Sorry. O N O N N minus N minus O M O M. Okay. What is vector O N? B. 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 What is vector O M? Q. Sorry. तो जो दो डायगोनल होते हैं जब आप कॉमन टेल से डायगोनल को पास करते हैं तो वो आपको देता है वेक्टर p प्लस q ठीक है और दोनों के हेड को मिलाते हैं तो वो आपको देता है वेक्टर p माइनस q या q माइनस p डिपेंड करेगा एरो किधर है समझ में आ गया ओके आप जरा देखिए ये लो ये भी वेक्टर माइनस q ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है और ये वेक्टर क्या था वेक्टर बी माइनस ये समझ में आया नहीं है ये मैंने जो आपको मेथड बताया था पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल से किया ठीक है अब मैंने आपसे कहा इसको क्यू बना लें इसको क्यू बना लें और एक पैरेललोग्राम हमने और बना लिया ठीक है तो दिस वेक्टर इज माइनस क्यू सो व्हाट इज दिस दिस इज वेक्टर पी माइनस क्यू नाउ दीज टू लाइंस आर पैरेलल एंड देयर मैग्नीट्यूड इज आल्सो सेम सो दीज टू वेक्टर्स आर सेम दैट्स व्हाई दे आर व्हाट वेक्टर p माइनस वेक्टर q समझ में आया इमेजिन करना है कि दो वेक्टर के अगर हेड से हेड को मिला दिया तो दोनों वेक्टर का डिफरेंस आ जाता है वो आपको देखना पड़ेगा कि वेदर इट इज वेक्टर p माइनस q और q माइनस q क्लियर है चलिए वो भी मैं आपको दिखाई देता हूं अगर बिना मैंने इस वेक्टर का एरो ऐसे लगा दें तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल तो ये आपका हेड का पोजीशन वेक्टर इसको ओरिजिन मान लिया जो हमें एनएलटी माना था वो एम माइनस वाई क्लियर अब आप रिजल्टिंग वेक्टर और पी के बीच का रिजल्टिंग वेक्टर कहां है इसका वेक्टर पी प्लस क्यू कहेगा तो ये वाला होगा ठीक है अब अगर तूने कहा मतलब ये वाला है दिस इज व्हाट पी माइनस क्यू तो मैं बाकी सबको उड़ा दू जिससे वो कंफ्यूजन ना करे क्लियर है एल्बा किसके साथ निकलेगा पी के साथ तो पी के साथ का एंगल क्या होगा ये पी है ये एंगल हुआ द एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर पी दैट इज एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर पी टेन एल्बा क्या होगा वहां पे क्या होगा था वहां पे ये वाला तो ये आपका होगा था पी प्लस क्यू कॉस थीटा ये अपोजिट हो रहा है तो यह आ जाएगा पी माइनस क्यू कॉस थीटा
question. The magnitude of vector r is equal to 8 plus b and vector r2 is equal to vector a minus b. If a is equal to 8, b is equal to 6, and theta is equal to 120. Yeah, थोड़ा सा इजी कर लो, ठीक है? दोनों को 6 6 दो, दोनों को 6 6 इससे क्या पकड़ो से ठीक है आगे पकड़ना क्या है आर वन आर वन जब एडिशन होता है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए cos 120 cos 120 कितना minus cos 60 minus cos 60 ठीक है कर दूँ ना उसे को कैंसिल 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर नहीं कैंसिल आंसर क्या आ गया 6 ठीक है अच्छी बात है आपने इससे निकाला बट इसको इमेजिन कीजिए कि क्या होगा डायग्राम बनाओ ना ये 6 था 120 डिग्री पे गया बेटा ये भी 6 है ये समझ में आया आ गया ना तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री और ये दोनों सेम है तो ये क्या होगा तो ये आपका क्या बना वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी और इसकी लेंथ आ गई 6 दोनों चीजों पे कमांड होना चाहिए ठीक है फॉर्मूले से तो आ ही रहा है बट वो भी आपको समझ में आना चाहिए कि वो विजुलाइज कैसे हो रहा है डायरेक्शन क्या होगा डायरेक्शन क्या होगी 60 डिग्री इज फर्स्ट वेक्टर वेक्टर है डायरेक्शन क्या सोच रहा है ये तो डायग्राम से दिख ही रहा है वैसे निकालो तो क्या है डायरेक्शन निकालो tan अल्फा इज इक्वल टू 6 sin 6 plus 6 plus cos cos 6 cos 6 cos 120 आप वैसे करना चाहते हो वैसे कर लो
i cap b of the kya hoga vector a what is vector b minus cos 120 i cap plus x sin 120 j cap कौन है सिक्स कॉस माइनस थ्री आई कैप प्लस सिक्स दूसरी बेटो
ठीक है, अब सीधा सीधा अंदर नहीं आएगा, रूट रूट में अंदर आएगा, ठीक है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर वन एंड आर टू, ठीक है, इनके बीच का एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। ये मैंने आपको इसलिए दिया कि आप हर तरह की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते, पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कर लीजिए, फिर आई कैप जे कैप दोनों से करेंगे, चिंता मत कीजिए। R2 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 R2
do is on it? Root 15. Root 15? Yes, sir. You give a minus 100. Minus 100. Minus 100, no more? Sir, 100 plus 15 minus 200. Watch out. Yes, sir. Answer. Okay. वो इधर आ जाएगा ठीक है वो कितना आ रहा है root 15 root 15 ठीक है आई कैप जी कैप से आया देखो आई कैप जी कैप से कैसे होगा पहला वेक्टर कैन आई कैप P की डायरेक्शन को आई कैप मान लो दूसरा वेक्टर क्या होने का पाई रूट टू ये मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन क्या होगी cos 40 बाई वाई कैप प्लस cos 40 सॉरी साइन 40 बाई जी कैप तो ये आपका आ गया पाई वाई कैप प्लस पाई जी कैप इज इट क्लियर मिलके क्या हो गया वेक्टर ए प्लस बी क्या हो गया 15 आई पेयर प्लस 5 जे क्या मैग्नीट्यूड कितना आ गया अंडर रूट 225 प्लस 25 दैट इज रूट 25 रूट 250 ठीक है ना और टेन इज वन 5 बाय 15 मतलब क्या 5/50 ठीक है क्लियर है अगर दूसरे वाले के इसमें a माइनस b करेंगे तो क्या जाएगा वेक्टर 5 i square plus 5 j square मैग्नीट्यूड क्या आ गया 5/2 यस आ गया यस और 10 बीटा मान लेते हैं इसको अल्फा के लिए 10 अल्फा मान लेते हैं कितना आ गया 1 दैट मींस अल्फा की वैल्यू यहां पे क्या जाएगी हो गया जी प्रैक्टिस आई कैप जे कैप इजी करता है एक बार आप सेट हो जाओ ना तो सिंपल एडिशन बहुत आसान हो जाता है आई कैप वालों को आई कैप के साथ जोड़ना है जे कैप वालों को जे प्रैक्टिस तो बेटा दोनों की करनी क्योंकि ये नहीं पता कि हमेशा आई कैप में दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो क्लियर तो भाई एडिशन भी हो गया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया अब क्या बचा कर लेते हैं भाई हाँ जी मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स तो ये दो तरह का होगा बेटा पहला होता है डॉट प्रोडक्ट ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट इट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट ठीक है अब जरा समझते हैं नाम डॉट क्यों रखा गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये एक नोटेशन है ठीक है और दूसरा है अब अभी तक जब आप स्केलर क्वांटिटीज लेते थे उनके लिए चाहे आप डॉट करो चाहे क्रॉस करो सेम आता था 2.24 लिखोगे और 2 × 2b4 लिखोगे ठीक है बट वेक्टर्स में ऐसा नहीं है वेक्टर के नोटेशंस डिफरेंट क्लियर क्या होगा पहला लिख लीजिए डॉट प्रोडक्ट तो जो डॉट प्रोडक्ट है उसमें ए एरो को लेता है जी वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर हैं इनका कैसा प्रोडक्ट सिर्फ मैग्नीट्यूड 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 सिर्फ मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट नहीं नहीं दो वेक्टर का प्रोडक्ट है क्या आएगा वो बताइए ये है क्रॉस प्रोडक्ट लिखिए ठीक है डॉट प्रोडक्ट लिखिए इट इज डिफाइंड एज
the product of magnitude of two vectors with cosine of angle between them vector A dot B is AB cos theta cosine cos theta cosine of angle between them अगर A और B के बीच एंगल थीटा दिया हुआ है तो A dot B क्या हो जाएगा AB cos ठीक है और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आपको कैसा टर्म मिल रहा है एक स्केलर टर्म इसलिए इसको कहते हैं स्केलर टर्म ठीक है लीजिएगा द रिजल्ट इज ऑलवेज स्केलर डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा स्केलर होगा फिर उसको प्रिंट करेंगे वो करेंगे अभी एक एक करके कर लेंगे पहले दो को करो फिर तीन को करो आई कैप जे कैप में तो फ्रैक्शन तो वैसे भी एक ही करके कर लेंगे ये सारे माइनस वालों को एक साथ ऐड कर लो फिर सब ऐड कर लो वही जो नॉर्मल अलजेब्रा है वही हो जाती है बट हाँ डायग्राम के लिए आपको जो है वो बनाने पड़ेंगे देख लेते हैं क्या क्या समझ में चलेगा आपने That's why it is called a scalar product. ठीक है? ये a cos theta पता नहीं क्या था? हाँ। a cos theta क्या था? ये क्या था? Horizontal product? Sorry, क्या component? Horizontal component. Okay. ये नाम जानने भी जरूरी है बेटा अगर आप लोगों को बोलोगे तो उसका मतलब कुछ और निकल आए हाँ ये बहुत जरूरी है जब मैं आपको लिखा रहा हूँ तो आप एक ही चीज लिखिए अब जरा सी समझते हैं बेटा एक्शन में है क्या ये मेरे पास है कोई वेक्टर है ठीक है मैं यहां से इसमें लाइट डाल तो इसकी शैडो बनेगी ना ये क्या होगी इस शैडो की लेंथ होगी a cos थीटा ये समझ में आया अगर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट डालेंगे तो लाइट यहां तक तो पहुंच जाएगी यहां लाइट नहीं पहुंचेगी यहां पे आपको डार्क दिखाई देगा या शैडो दिखाई देगी तो इसको कई बार कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा इज व्हाट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ठीक है किस डायरेक्शन में यहां तो एक्स एक्सिस है अब जरा समझते हैं ए डॉट बी क्या होता है प्रोजेक्शन समझ में आ गया ठीक है अगर आप उसको प्रोजेक्ट करें लाइट डालें उस पर और उसकी शैडो बनेगी तो उसकी लेंथ क्या होगी दैट इज एक्चुअली द सेम थिंग जिसे आपने क्या कहा था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओके बट हॉरिजॉन्टल तब कहा था जब आपकी एक्सेस ये वाली अब ये दो वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं वो थोड़ा टाइम के बाद करेंगे अभी तो हम अपने वेक्टर को कैसा लेंगे सीधा ठीक है ओके वापस आ रहा हूं बेटा मेरे पास है एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी इनके बीच का एंगल थीटा व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट ए बी इज ए इनटू बी कॉस थीटा बी कॉस थीटा हां व्हाट इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड व्हाट इज बी कॉस थीटा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए ये देखो
यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इतनी शेडो तो मिलेगी और ये क्या होगी बी कॉस थीटा। थोड़ा सा एग्जांपल से लिया सब्जेक्ट के तो बड़े आराम से समझ में आएगा। सब्जेक्ट क्लास 9 में पढ़ा था वर्क। वर्क इज वेक्टर एफ डॉट एस कॉस थीटा भी आता है कभी एफ क्या था फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ तो एस का वो कंपोनेंट जो किसके डायरेक्शन में था फोर्स में इसलिए वो डॉट आई एस तो लिख लीजिएगा डॉट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेट्यूड ऑफ वन वेक्टर विथ प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ कॉस मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्रोजेक्शन ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए। ओके अच्छा एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग से मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं मेरे लिए इस बोर्ड को रोटेट करना थोड़ा मुश्किल है। आप सब अपनी कॉपी को घुमा लीजिए और जब आप कॉपी को अपने रोटेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा वेक्टर बी और ये आपका आ रहा होगा वेक्टर ए। आ रहा है सबका और ये एंगल आ रहा है थीटा। कॉपी घुमा के बी को बेस बना लीजिए बी को बेस बना लेंगे क्यों क्योंकि बेबी को बेस्ट ओके चलिए और बता रहे तो ये क्या हो गया ए कॉस थीटा प्रोजेक्शन ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी बी के सामने आगे समझ में तो किसी भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में क्या लेंगे उसका प्रोजेक्शन या उसका कंपोनेंट अलोंग दैट वेक्टर के आई एस क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट कर दूं इससे पहले आप चाहें तो एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल इज वर्क वर्क इज एफ डॉट एस वर्क कैसी क्वांटिटी थी स्केलर दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो गए स्केलर क्वांटिटी दे रही है तो ये कैसा प्रोडक्ट हो गया स्केलर प्रोडक्ट या डॉट आया समझ में और इसीलिए इसको हमने क्या कहा था एफ एस तो फॉर्मूला रख लिया था ना हाँ जी वैल्यू भी रख ली थी कॉस 30 पर व्हाट इज दैट कंपोनेंट का कोई भी वेक्टर ए है इफ दिस एंगल इज थीटा आई वांट द प्रोजेक्शन इन दिस डायरेक्शन व्हाट इज दिस दिस इज बेस ना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट विल गिव यू कॉस थीटा व्हिच प्रेजेंट इन ग्राफ में कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट ओके कॉल इट स्मॉल बी दिस इज बी एंड बेस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी ए कॉस थीटा तो प्रोजेक्शन
of 8, direction of B is what? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास एक वेक्टर p और एक वेक्टर q हो। अभी मैंने आई कैप वाला दिया ही नहीं आपको, कोई रेंडम वेक्टर दे दिए ना, नहीं हो सकते वेक्टर तो, ठीक है? इनके बीच में एंगल कितना? अल्फा। अब आप अपनी कॉपी को कॉपी घुमाओगे तो ये p बन जाएगा, ये अल्फा बन जाएगा, ये q बन जाएगा, ये कंपोनेंट क्या है? क्यू कॉस अल्फा। सो व्हाट इज वेक्टर पी डॉट क्यू? पी क्यू कॉस कॉस। समझ में आ रहा है? ओके अगले डॉट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव इफ थीटा एंड क्यू, ये वर्क के लिए याद किया था, पहली प्रॉपर्टी है। डॉट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, ए डॉट बी इज पॉजिटिव इफ थीटा इज एक्यूट। थीटा एक्यूट का मतलब cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव और a और b का मैग्नीट्यूड है वो दोनों वैसे ही पॉजिटिव। आगे समझ में? सेकेंड का नेगेटिव थीटा इज ऑब्ट्यूज, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। दो वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है वो मैंने आपको बताया था कहां से कहां तक होता है, जीरो से पाई, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। ओके सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो cos थीटा कैसा हो जाएगा? और a और b पॉजिटिव है क्योंकि वो मैग्नीट्यूड है। समझ में आया? यस। ओके थर्ड इज एक ही वजह है जीरो थीटा इज इक्वल टू, या तो ब्रैकेट में लिख लेना cos थीटा पॉजिटिव, cos थीटा नेगेटिव होता क्या है? ये सब चीजें हमको याद रहती है, बात तो बुझा हुआ होता है, इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव याद है? A dot B is same as B dot A. पलट दीजिए चीजों को, A और B को आगे पीछे कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। वेक्टर A dot B is equal to वेक्टर B dot A। ये तो मैंने आपको दिखा भी दिया था। ये क्या होगा? A B cos theta, ये क्या होगा? B A cos theta। It obeys distributive law. Distribution हो जाता है। A vector b plus c अगर लिख रहा होगा है ना, उसका dot product है। पहले a को b के साथ multiply कर दो, dot product ले लो, और a का c के साथ ले लो, a multiply होने में दोनों पे distribute होगा, ठीक है ना? सिंपल सी चीजें हैं, बस स्क्वायर को कभी पूछ देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, बाकी आप वार्म अप किया है आपने, आप सब चीजें करते हुए यार। लेक्चर्स में थोड़ा सा ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्रॉस आएगा उसमें मैटर आएगा। नेक्स्ट लिखिएगा With the help of dot product, we can calculate property. With the help of dot product, we can calculate
angle between two vectors. Again, angle कहाँ है? ये ठीक है तो cos theta क्या हो जाएगा a dot b upon ab ये समझ में आया yes sir ठीक है तो cos theta is equal to vector a dot b upon ab ऐसे ये बताओ ना मुझे क्या तो दो यूनिट वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट ले लेते हो तो आपको उनके बीच का एंगल पता चल जाता है आप इस फॉर्मूले को यूज करो ये भी बढ़िया रहता है ठीक है बट कभी आपको यूनिट वेक्टर दिए तो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो तो उनके बीच का एंगल आता है आया समझ क्लियर ओके नेक्स्ट पॉइंट स्केलर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम कब होगा theta is equal to 0 उस समय मैक्सिमम होगा a dot b की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी है a b because cos 0 is equal to 1 clear अब जरा देखें स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए स्क्वायर थीटा कितना 45 क्यों दोनों सेम वेक्टर हैं तो एंगल इनके बीच कितना हो गया 45 का सर a into a into तो ये सब है यहाँ डॉट से फर्क कोई नहीं पड़ना ध्यान रखना है डॉट दो क्रॉस देखो यहाँ फर्क नहीं पड़ना क्योंकि ये सब कैसी क्वांटिटी है स्केलर वो वेक्टर पे फर्क पड़ता है ये क्या हो गया बेटा a स्क्वायर तो इसको कहते हैं स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर a डॉट a इज स्क्वायर ठीक है a स्क्वायर क्लियर अब चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट आई कैप डॉट आई कैप आई जीरो वन 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 अभी क्या है आई स्क्वायर मतलब आई कैप वन कैप सिर्फ वन आई आई स्क्वायर आई कैप कैसे आ सकता है वेक्टर तो आई नहीं रहता इसका मैग्नीट्यूड कितना इसका मैग्नीट्यूड कितना एंगल कितना तो फिर आंसर क्या है जे कैप डॉट जे कैप ए कैप डॉट ए कैप समझ में आ गया जी कोई डाउट तो नहीं अच्छा और अगर मैं आपसे कहूं आई कैप डॉट जे कैप ये भी ये भी वाली नहीं और ये भी कॉस नहीं ये तो आई डॉट ए is equal to k dot i is equal to 0 okay और एक और बचा j dot k k dot j ये समझ में आ गया clear है doubt तो नहीं आ जाएगा आसान है ओके
मेरे पास एक वेक्टर है ax i cap plus ay j cap plus az k cap और दूसरा वेक्टर है bx i cap plus by j cap plus bz k cap. ये मेहनत हम आज करेंगे और इसके बाद हम इसका रिजल्ट यूज करेंगे. ठीक है ना, आपके स्कूल में आएगा डिराइव करने के लिए तो आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा, बट हमारे यहाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. तो व्हाट इज ए डॉट बी? ए डॉट बी ओके ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड. ये समझ में आया? ओके, मल्टीप्लाई कंडीशन पे करते हैं इसको. इसको क्या क्या एक्स बी एक्स, ये तो स्केलर क्वांटिटीज हैं. आई कैप डॉट आई कैप, ये क्लियर है? प्लस एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप प्लस एक्स बी जेड आई कैप डॉट. ठीक है, ये आ गया ई. टोटल कितने टर्म्स आ रहे हैं? आई प्लस ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप प्लस जल्दी करो ए वाई बी वाई ए वाई बी वाई प्लस ए वाई बी जेड जे कैप प्लस एज डॉट आई कैप प्लस एज डी वाई के कैप डॉट जे कैप प्लस एज डी जेड के कैप डॉट जे कैप. ओके, ये हो गया. ठीक है, अब क्या होगा? ये सारे टर्म क्या होगा? जीरो, बिकॉज दे आर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स. प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड इज दैट इट इज ए डॉट बी वेक्टर. हो जाएगा. हाँ जी, इसमें एक्स इज एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वन वेक्टर, दिस इज वाई कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर, दिस इज जेड कॉम्पोनेंट, तीन कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर. जैसे मैं कोई वेक्टर लिख रहा था ना, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस फोर जे कैप, तो एक्स में कितना गए? उसके लिए हमने क्या दे दिया? ए एक्स. आप कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स अ नंबर. ओके, जनरलाइज करने के लिए हमने उसे ए एक्स लिख दिया. तो अलग अलग में इसलिए लिखना पड़ेगा कि डिफरेंट बुक में आपको डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन मिलेंगे, क्वेश्चन में अलग अलग चीजें मिलेंगी. अब पता लगा आपने ए बी सी तो समझा हुआ है, ए एक्स बी एक्स लग गया तो समझ ही नहीं आता. क्लियर? पढ़ो आगे. तो दो वेक्टर आपको दे रहा हूं, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, एंड वेक्टर बी इज आई कैप माइनस ए कैप. व्हाट इज वेक्टर ए डॉट बी? Bx क्या है? 2 into
3 into 0 plus 3 into 4. यहाँ तो j है ही नहीं, 0 है, तो 3 into 0 minus 4 plus minus 4 into minus 1, so 2 plus 0 plus 4, that is 6. A dot B, we will look here on the this will be okay. Take question or question. Find the angle between vector A and vector B. Find the angle between vector A and vector B. और साथ में करेंगे क्रॉस ठीक है चल